तो इस प्रीव्यू के जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऊपर नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उधर से वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिसका फोटो से वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उसका फोर फोटोज के सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, और आप लोग बहुत ही आसान से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए फटाफट फोर फोटोज के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस सभी फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो ये वीडियो और फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन अब लोग एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है, फिर से फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब यहाँ पे आप लोग एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को भी पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन गाइस नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोग टोटल फोर बीट मार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है ब्लॉग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर 7.30 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खिसका के पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले जाना। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बीट मार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बीट मार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बीट मार्क को ऐड कर ले रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस सारे बीट मार्क ऐड हो जाने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के बीट मार्क की तरफ आ जाना है। देन आप लोगों को नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम कर लेना है ताकि आप लोगों को सारे फोटो और बीट मार्क अच्छी तरह से देखने को मिले। देन आप लोगों को ऊपर में सेकंड बीट मार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे आपका जो फर्स्ट फोटो है इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है बीट मार्क तक। फिर से आप लोग ऊपर में नेक्स्ट बीट मार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन क्रॉप करना है बीट मार्क तक। तो इस तरह से आप लोगों को सारे फोटो को बीट मार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना है। देन आपका जो लास्ट फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन यहाँ से डन करके फिर से फर्स्ट फोटो के ऊपर चले आना। तो इस तरह से सारे फोटो को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आप लोगों को नीचे फास्ट पे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इधर से थोड़ा सा खिसका के बिगनिटी ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। नीचे बिगनिटी को प्लस 100 करके नीचे बीच पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये वीडियो के ऊपर भी ऐड हो जाएगा। तो इस वीडियो के ऊपर से बिगनिटी इफेक्ट को हटाना है, तो हटाने के लिए पहले वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, नीचे फिर से फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से बिगनिटी को जीरो कर लीजिए। जीरो करने के बाद नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वीडियो के ऊपर जो बिगनिटी इफेक्ट था हट जाएगा, लेकिन फोटोज के ऊपर रह जाएगा। इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। तो फोटोज के ऊपर बिगनिटी इफेक्ट को ऐड करने के बाद फिर से कोई भी एक फोटो के ऊपर आ जाइए। नीचे आप लोगों को थर्ड नंबर पे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन पहले फोटो को खिसका के एकदम फास्ट पे ले आना है। देन नीचे आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जिधर आप इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसको खींच के ये जितना दूर हो सके कर लेना है। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये वीडियो के ऊपर भी ऐड हो जाएगा। तो वीडियो के ऊपर से हटाने के लिए पहले वीडियो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर से इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इधर से खींच करके फर्स्ट पे नन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाइए। तो इस वीडियो के ऊपर से इस तरह से इफेक्ट को हटा लेना है। तो गाइस इस तरह से सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों को नीचे बहुत सारा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, तो थोड़ा सा खींच करके आप लोगों को थर्ड नंबर पे व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन को एकदम माइनस कर लेना है। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर ये व्हाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो देन आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना है, जहाँ पे आप लोगों का लिरिक्स वीडियो खत्म होके फर्स्ट फोटो शुरू हो रहा है। इस पोजीशन पर आ जाने के बाद नीचे यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन था इसके ऊपर भी व्हाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है, देन जैसे थोड़ा सा खींच कर व्हाइट इफेक्ट को चेंज करके आप लोगों को लाइट इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है।
देन नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो इस तरह से आप लोगों को प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है। तो देन आप लोगों को फिर से फर्स्ट बिडमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को एक पीएनजी फोटो इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसका भी डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उधर से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे वीडियो और फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से पीएनजी इफेक्ट फोटो को ऐड कर लेना है। तो पीएनजी फोटो ऐड होने के बाद नीचे थोड़ा सा खींचा के यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। देन गाइस इसका जो ड्यूरेशन है इसको खींच के पूरा वीडियो तक कर लेना है। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।